साल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ में ज्योति सिन्हा। जहां बिहार में शुक्रवार को मदरसों की छुट्टी रहती है, तो वहीं अब इस पर भी सियासी बवाल तेज है। लगातार इस पर जहां बयानबाजी हो रही है, तो वहीं आपको बतला दे इसे लेकर कि हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान का भी बयान सामने आ चुका है, जहां वो ये साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि बच्चों को शिक्षा देना विद्यालय का मेन मकसद होता है, ना कि बच्चों को किस दिन छुट्टी देनी है ये सोचा जाए। दरअसल आपको बतला दें कि जहां शुक्रवार को छुट्टी देने को लेकर के बवाल मच गया, तो वहीं आपको बतला दें कि दानिश रिजवान ने यह भी कह दिया कि जरा जम्मू कश्मीर में जाके देखिए कि शुक्रवार को छुट्टी होती है या नहीं। देखिए आके उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी हो रही है तो किसी और के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या उक्त विद्यालयों के गार्जियन ने शिकायत किया कि रविवार को छुट्टी कर दीजिए? अगर उन लोगों को लगता है कि बिहार में ऐसा हो रहा है तो ये सवाल जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं पूछते हैं, जब जम्मू कश्मीर के सारे विद्यालय महाविद्यालयों में छुट्टी शुक्रवार को ही होती है। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार में न्याय के साथ विकास हो रहा है। हमारा मुख्य एजेंडा है बच्चों को पढ़ाना, और बच्चे अगर शुक्रवार को विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं तो हमारा मकसद यह नहीं कि बच्चे नहीं आ रहे हैं फिर भी स्कूल खुला रहेगा। बच्चे यदि नहीं आ रहे हैं तो उस दिन हम लोगों ने छुट्टी दी, रविवार को क्लास दे रहे, हफ्ते में 6 दिन पढ़ाई सुनिश्चित है, और बिहार के विद्यालयों में जो चल रहा है इसी परिपाटी पे चलेगा, ना कि किसी के कहने से और एजेंडा बनाने से कोई बदलाव होगा। देखा आपने जिस तरीके से उन्होंने यह साफ तौर पर कहा कि छुट्टी देने को लेकर के जो एक सियासी बवाल मचाया जा रहा है वह काफी गलत है, क्योंकि बच्चों को शिक्षा देना विद्यालय का सबसे प्रथम काम है और ना कि छुट्टी को लेकर के बहसबाजी करना। दरअसल आपको बतला दें कि जिस तरीके से शुक्रवार को छुट्टी को लेकर के बयानबाजी तेज हुई, तो वहीं अब इस पर भी दानिश रिजवान का बयान सामने आया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।